आज भी वो चुड़ैल लोगों का मर्डर कर रही है। सुबह मिस हाइंस इन दोनों से बात करते हुए कहती है, हमें एक चुड़ैल पर शक है जिसके पास दिल दहला देने वाले शक्तियाँ है। क्राइम सीन में हमें एक मैसेज मिला है, मैं जीती रहती हूँ बिना बदलाव के, मेरे वारिस पर वारिस होते हैं बिना बदलाव के। असब कहता है, इसका मतलब है एक चुड़ैल, चुड़ैल की उम्र नहीं बढ़ती है और उनकी तबीयत भी खराब नहीं होती है, इसलिए वो जीती रहती है बिना बदलाव के। चुड़ैल की शक्तियाँ उसके वारिस को मिलती है बिना किसी बदलाव के, यानी हुनी ये डिक्लेयर करना चाहता है कि वो एक चुड़ैल है। हाइंस पूछती है, और इसका क्या? सुबह चार पैर, दोपहर को दो पैर, रात को तीन पैर। असब कहता है, मुझे लगता है इसका मतलब है एक इंसान। ये मैसेजेस कितने अजीब है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। हाइंस उन्हें एक घर के सामने लाकर कहती है, मुझे याद आया कुछ रिडल्स उन बुक्स में से है जो यहाँ है। गुइडो दरवाजा तोड़ के अंदर आती है क्योंकि किसी ने भी इस लाइब्रेरी का दरवाजा नहीं खोला। अंदर उन्हें एक आदमी का सड़ा हुआ लाश मिलता है जिसके जख्म को देखकर साफ पता चलता है कि ये काम एक चुड़ैल ने ही किया है। बाहर आकर असब कहता है, उसने उस आदमी को इस तरह मारा है जैसे ये उसके लिए कोई खेल हो। मिस हाइंस गुमसुम होके बैठी थी। असब उसके पास बैठकर कहता है, तुम काफी थकी हुई लग रही हो, तुम्हें थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। मिस हाइंस कहती है, मेरे ज्यादा करीब मत आओ, मेरे ज्यादा करीब आने वाले लोगों के साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तभी उसे और एक मर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है और एक मैसेज भी। मैं एक बीमारी हूँ और इस बीमारी का नाम सार्प है, एक चुड़ैल की सार्प। मिस हाइंस इन दोनों को छोड़ के क्राइम सीन की ओर निकल पड़ती है। तभी गुइडो कहती है, असब तैयार हो जाओ, यह कुछ है। अचानक ही वहाँ हमला होता है और हमला करने वाली एक चुड़ैल होती है। गुइडो पीछे से उसे मुक्का मारने के लिए बढ़ती है पर वो चुड़ैल गायब हो जाती है जिसकी वजह से गुइडो नीचे गिर जाती है और उसे गहरे चोट लग जाते हैं। वो कहती है, जब से हम उस औरत से मिले हैं तब से मुझे लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है। मिस हाइंस जब रिटर्न करती है तब वो गुइडो को इसी हालत में देखकर हैरान हो जाती है। असब कहता है, मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम उस चुड़ैल से कैसे कनेक्टेड हो? वो तुम्हें फॉलो कर रही है, उसके टारगेट हम नहीं बल्कि तुम थे। इसके बाद मिस हाइंस अपने पास्ट के बारे में बताती है, मैं ऑफिस में एक दिन इंस्पेक्टर रुइबन से बात कर रही थी तभी मुझे खबर मिला कि मेरा घर आग से जल रहा है जिसमें मेरे बच्चे सुल्क और लोरान जलकर मर गए। इसी के साथ हमें अपराधी का एक मैसेज मिला। इसे पढ़कर मिस हाइंस समझ जाती है कि अपराधी एक चुड़ैल है। वो अपने साथियों को बचाने के लिए मैजिक का एक मैट्रिक्स बना लेती है। तभी वो चुड़ैल हमला कर देती है। रियुबेन अपने जान की परवाह ना करके चुड़ैल की ओर बढ़ता है क्योंकि उस चुड़ैल ने मिस हाइंस के बच्चों को मार दिया है और वो चुड़ैल रियुबेन को भी मार देती है। उस दिन मिस हाइंस ने अपने बच्चे और रियुबेन को खो दिया जो उसका मैजिक टीचर और बॉयफ्रेंड था। वो कहती है, वो चुड़ैल उन लोगों को टारगेट कर रही है जो मेरे करीबी है। मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मैं बदला लेना चाहती हूँ। गुइडो कहती है, बदला लेने में मजा आएगा। मिस हाइंस कहती है, क्या मतलब? मैं तुम जैसे तो बिल्कुल नहीं हूँ। उसे इंफॉर्मेशन मिलता है कि चुड़ैल 3 दिन में स्टेशन में आने वाली है। वो असब से पूछती है, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? गुइडो कहती है, बिल्कुल कर सकती है गधी, मैं तुझे सिखाऊंगी कि बदला लेना कितना मजेदार होता है। ये लोग पुलिस स्टेशन के आगे उस चुड़ैल का इंतजार कर रहे थे। मिस हाइंस गुइडो से पूछती है, तुम अब कैसी हो? वैसे तुमने चुड़ैल से लड़ने का क्या प्लान बनाया है? गुइडो कहती है, एक बार मेरा सार्प खत्म हो जाए मैं इस चुड़ैल को आसानी से हरा दूंगी। मिस हाइंस कहती है, एक मिनट, चुड़ैल के सार्प को मिटाने का तो बस 3 ही रास्ते हैं और तुम्हें ये भी नहीं पता है कि यही वो चुड़ैल है या नहीं जिसने तुम्हें श्रापित किया है। असब कहता है, श्राप से मुक्ति पाने का और भी एक रास्ता है और हम उस पर काम कर रहे हैं। गुइडो अचानक कहती है, वो यहाँ है। तभी वहाँ पर्पल धुएं के साथ वो चुड़ैल स्टेशन पर हमला कर देती है
वहां खड़े कुछ पुलिस ऑफिसर्स को मारने के बाद वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। असब पूछता है, क्या सब ठीक है? मिस हाइंस कहती है, हाँ हम सब ठीक है, शुक्र है कि हमारा ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। असब कहता है, मैंने उसे ढूंढ लिया है। ये सुनकर मिस हाइंस हैरान हो जाती है। वो आगे कहता है, क्या तुमने इन कोओ को नोटिस किया है? ये लोग मेरे फैमिली है, मैं वो सब देख सकता हूँ जो ये देख सकते हैं। जिसके बाद कोइडाओ एक पुराने बिल्डिंग में घुस जाती है जहाँ एक लड़का था। पर वापस पिटने के बाद वो असब से कहती है कि यहाँ दो लड़के हैं, ये कोई चुड़ैल नहीं है। वो दो लड़के जादुई किताब यानी क्रिमोर पकड़े हुए थे। एक लड़का कहता है, डैमिट, ये दोनों तो जादूगर है। मिस हाइंस हैरान होकर कहती है, तुम दोनों जिंदा हो सुल्क लोरान? वो असब से कहती है, ये दोनों मेरे बेटे हैं जिन्हें चुड़ैल ने मार दिया था। लोरान, सुल्क, तुम दोनों ही वो चुड़ैल हो, ये नहीं हो सकता। असब हाइंस को उसके फर्स्ट नेम से बुलाते हुए कहता है, किएरा, देखो उन्होंने क्या पकड़ा है। किएरा कहती है, दो वॉल्यूम ग्रिमर सार्नोभासस, ये एक तरह के फॉरबिडन इंस्ट्रूमेंट है। इसे इस्तेमाल करने वाले को एक चुड़ैल जितना पावर मिल सकता है, पर उन्हें सैक्रिफाइस भी देना होगा। लोरान कहता है, तुम हमें सजा नहीं दे सकते, ये क्रिमोर हमें पावर देता है, लेकिन हमें इसे जिंदा लोग खिलाना पड़ता है। सुल्क कहता है, अगर हमने इसे सैक्रिफाइस नहीं दिया तो ये हमें ही खा जाएंगे। तभी लोरान खून की उल्टी करने लगता है। असब कहता है, तीन रीजन है जिसके कारण तुम हमारे अगेंस्ट खड़े भी नहीं हो सकते। पहला, तुमने आज क्रिमोर को उसका प्राइस नहीं दिया है। लोरान कहता है, क्या बक रहे हो, आज हमने एटलीस्ट 10 लोगों को मार दिया था। असब कहता है, ओ तुम्हारा मतलब ये डमी जिनमें लाल कलर का लिक्विड भरा है। लोरान गुस्से में कहता है, पर हमारे पावर से हम जितने चाहे उतने लोगों को मार सकते हैं। उसके ऐसा करने से पहले ही कोइडाओ उन दोनों पर हमला कर देती है। असब कहता है, दूसरा, हम श्रापित होने के बावजूद भी बहुत शक्तिशाली है। कोइडाओ उन दोनों को ढेर कर चुकी थी। असब कहता है, वेल अब नंबर 3 की कोई जरूरत ही नहीं है। जख्मी हालत में लोरान कहता है, तुम हमारी माँ होने के लिए बहुत यंग थी, इसीलिए हम किसी को तुम्हारे पास आने नहीं दे सकते थे। वी लव यू किएरा, तुमने भी कहा था कि तुम हमसे प्यार करती हो। किएरा कहती है, हाँ मैं तुमसे प्यार करती थी, पर अब तुमने एक लिमिट क्रॉस कर दिया है। वो गन से उन दोनों को मार देती है। सुबह न्यूज में यही खबर चल रहा था कि हाइडेन में कोई चुड़ैल नहीं बल्कि दो लड़के चुड़ैल के रूप में हत्याएं कर रहे थे। असब कियारा से इन क्रिमर्स को अपने साथ ले जाने का परमिशन मांगता है। फिर वो कहता है, अगर तुम कभी किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो हमें जरूर याद करना। इसी के साथ इस एनिमे का ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। सायोनारा।